जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के 96 फाइटर्स भारत में बनाने की योजना और पेमेंट होगी इंडियन करेंसी में। स्वदेशी अंडरवाटर ड्रोन्स के विकसित होने तक इंडियन नेवी इस्तेमाल कर सकती है फॉरेन ओरिजिन के अंडरवाटर आर्म्ड ड्रोन्स। अरुणाचल प्रदेश में तैनात इंडियन आर्मी के 2 सोल्जर्स 14 दिनों से मिसिंग। चीन के रक्षा मंत्री ने बताया भारत को जिम्मेदार LEC के विवाद के लिए। और BSF के अधिकार क्षेत्र को डिफाइन करने वाला ब्लूप्रिंट तैयार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MMRCA सर्कस में। और अब इसके रिगार्डिंग एक और नया अपडेट सामने आया है, और ये जो अपडेट जारी किया गया है ये ANI की तरफ से है, और जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी MMRCA 2.0 डील के तहत 114 फाइटर्स में से 96 फाइटर्स को भारत में बनाने की योजना बना रही है, और जबकि बाकी के 18 फाइटर्स फॉरेन वेंडर्स से इंपोर्ट किए जाएंगे। और इसी को लेकर अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने फॉरेन वेंडर्स के साथ एक मीटिंग भी कंडक्ट करी थी, और उनसे उन तरीकों को ढूंढने के लिए कहा है जिसके माध्यम से जो MMRCA 2.0 डील है वो मेक इन इंडिया के तहत पूरी की जा सके। और इतना ही नहीं बल्कि ANI की इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि योजना कुछ इस तरीके से है कि पहले 18 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए जाने के बाद फिर 36 एयरक्राफ्ट जो भारत में बनेंगे तो उन सभी की जो पेमेंट्स है वो आधी फॉरेन करेंसी में होगी और आधी इंडियन करेंसी में। और फिर जो आखिरी के 60 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे तो मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी इंडियन पार्टनर गवर्नमेंट की होगी, और जो कि इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि इन 60 एयरक्राफ्ट की जो कंप्लीट पेमेंट है वो केवल इंडियन करेंसी में ही हो। और सोर्सेज का ये कहना है कि इंडियन करेंसी में पेमेंट होने की वजह से जो वेंडर्स हैं तो उन्हें इस प्रोजेक्ट में करीब 60% तक का मेक इन इंडिया कंटेंट हासिल करने में मदद मिलेगी। और सोर्सेज का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी फाइटर जेट्स के रिक्वायरमेंट के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन को भी देख रही है, यानी कि एयरफोर्स को ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो बिना अपनी कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए एक लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ आए। और बाकी जिस हिसाब से रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स रफाल फाइटर्स के ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रही है, और एयरफोर्स अपनी भविष्य के रिक्वायरमेंट के लिए इसी तरह की कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट भी चाहती है, तो इसको देखकर तो इंडियन एयरफोर्स की भविष्य की योजनाओं में एडिशनल रफाल फाइटर्स के आने की संभावना और बढ़ जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि MMRCA 2.0 डील को लेकर ही हमें 3 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिल चुकी है। पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि 114 फाइटर्स के बजाय केवल 57 फाइटर्स लिए जाएंगे, फिर दूसरी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 57 नहीं बल्कि 54 फाइटर्स लिए जाएंगे, और अब ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 114 फाइटर्स ही रहेंगे, बस कंडीशन ये रहेगी कि 18 इंपोर्ट करेंगे और बाकी के जितने बचे हैं वो भारत में बनाए जाएंगे। अब इनमें से कौन सी रिपोर्ट सही साबित होती है तो वो तो तभी मालूम पड़ेगा जब इस पर ऑफिशियली कोई बयान देखने को मिले। हाँ, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं कि आप इनमें से किस रिपोर्ट के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स या यूं कहें अंडरवाटर ड्रोन्स के डेवलपमेंट के लिए प्रीलिमिनरी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। और इस परियोजना के तहत इंडियन नेवी के लिए जिन अंडरवाटर ड्रोन्स को विकसित किया जाएगा तो वे सर्विलियंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दोनों के साथ आएंगे। हालांकि ये जो पूरी परियोजना है ये DRDO की TDF स्कीम के तहत विकसित किए जाने वाले अंडरवाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ही हिस्सा है, और जिनके लिए इसी महीने की शुरुआत में भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया गया था। और जबकि अभी हाल ही में L&T ने इन्हीं अंडरवाटर लॉन्च्ड UAVs को विकसित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU भी साइन किया है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि L&T और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किए जाने वाले इन अंडरवाटर लॉन्च्ड UAVs को विकसित होने में कम से कम कुछ सालों का समय तो लगेगा ही, और जो UAVs होंगे मुख्य रूप से सर्विलियंस पर्पस के लिए होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और सोर्सेज का ये कहना है कि जब तक कि स्वदेशी अंडरवाटर ड्रोन्स इंडक्शन के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक इंडियन नेवी फॉरेन मेड अंडरवाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकती है, और इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी इंडिजीनियस और फॉरेन ओरिजिन के अंडरवाटर ड्रोन्स दोनों के लिए ही ओपन है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी को इस तरह के अंडरवाटर ड्रोन्स की जरूरत 3 साल पहले महसूस हो गई थी जब चाइनीज नेवी द्वारा रूटीनली उनके AUAVs को इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स और एक विशाल इंडियन ओशन रीजन में इस्तेमाल किया जा रहा था। सोर्सेज का ये भी कहना है कि एक चाइनीज अंडरवाटर ड्रोन को अमेरिकन वॉरशिप के क्रू ने साउथ चाइना सी में डिटेक्ट भी किया था, और वो भी डिटेक्ट तब हो पाया था जब उसमें किसी तरह की टेक्निकल समस्या आ गई थी, फिर जिसके बाद उसे फिजिकली लिफ्ट करके सरफेस पर लाया गया और उसके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और सर्विलियंस रिकॉर्ड्स को स्टडी किया गया। और जबकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सपर्ट वाइस एडमिरल सुरेश बंगारा रिटायर्ड, तो उनका भी ये कहना है कि इंडियन नेवी चाइनीज नेवी द्वारा रेगुलरली ऑपरेट किए जाने वाले अंडरवाटर ड्रोन्स की हरकतों से पूरी तरीके से अवेयर है, जो कि चाइनीज नेवी हमारे नेवल एसेट्स पर सर्विलेंस करने के लिए इस्तेमाल करती है, और चाइना की इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी अपनी अंडरवाटर ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है।
कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो उससे जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है और वो ये है कि अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक दो और सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है। यानी कि इस ऑपरेशन में टोटल 3 सुअर अभी तक साफ हो चुके हैं और इनके पास से आर्म्स एंड एमिनेशन भी रिकवर किए गए हैं। बाकी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तीनों ही स्थानीय आतंकी थे जिनके लिंक सुअरों के संगठन लश्कर के साथ थे, और जबकि श्रीनगर पुलिस की एक स्मॉल टीम की आज आतंकियों के साथ एक चांस एनकाउंटर भी हुआ है, और इस एनकाउंटर के दौरान सुअरों के संगठन लश्कर के आदिल पारे को ढेर कर दिया गया है। और ये वही है जो तो जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल GH हसनदर और सैफुल्ला कादर की किलिंग्स में इन्वॉल्व था, और जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी घायल हुई थी। लेकिन इसके अलावा एक दुखद खबर भी सामने आई है कि आज एलओसी के पास पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मंधार सेक्टर में एक एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट में हमारे 2 आर्मी सोल्जर्स घायल हुए हैं, और बाकी इस पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी है। और इसके अलावा चिनारकोर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 जून को गुलमर्ग में इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन लोकेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात 7 गढ़वाल राइफल्स के 2 सोल्जर्स 28 मई से मिसिंग है, और ये दोनों ही सोल्जर्स उत्तराखंड से थे, और इनकी पहचान नायक प्रकाश सिंह राणा और लास्ट नायक हरिंदर सिंह नेगी के तौर पर हुई है, और ये अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे दोनों सोल्जर्स पोस्ट के पास नदी में एक्सीडेंटली गिर गए होंगे, और तब से ही दोनों मिसिंग हैं। बाकी आर्मी का कहना है कि इनकी तलाश के लिए इंटेंसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए हैं। हम ईश्वर से हमारे इन सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित करते हैं कि आप सभी की फेवरेट मई महीने की फ्रंट लाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, और हमारी इस ई मैगजीन की खास बात यह है कि चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, तो ये दोनों ही केस में आप सभी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपको सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ अप टू डेट रखेगी। बाकी जो फर्स्ट 1000 बायर्स होंगे उनके लिए ई मैगजीन मात्र 11 रुपए में उपलब्ध है, तो अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो यही सही समय है इसको बाय करने का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी इस फ्रंट लाइन ई मैगजीन को मात्र 11 रुपए में हासिल कर सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये कहावत तो आप सभी ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, लेकिन अगर आप में से किसी को इस कहावत का जीता जागता उदाहरण देखने की भी इच्छा होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चिंदी पड़ोसी चाइना द्वारा दिए गए कुछ बयानों को ही देख लेना है, तो वही काफी होता है। तो अब इसी कहावत का एक नया उदाहरण पेश करते हुए आज रविवार को चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से एक सवाल के जवाब में भारत पर यह आरोप लगाया है कि एलएसी पर हुए अतिक्रमण के लिए भारत जिम्मेदार है, और उनका कहना था कि भारत ने ही पहले एलएसी पर बड़ी संख्या में हथियारों का जमावड़ा किया था, भारतीय सैनिक चीनी सीमा में दाखिल हुए थे, और जिसके कारण दोनों देशों के बीच में तनाव शुरू हुआ। और ये बात आज रविवार को चीन के रक्षा मंत्री ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला डायलॉग को संबोधित करते हुए कही है। वैसे अगर चीन के रक्षा मंत्री इस दौरान झूठ बोलने के बजाय सच बोलते तो वो कुछ इस तरीके से होता। चीन के रक्षा मंत्री कहते कि हमारे सैनिकों ने मई 2020 में एलएसी पर कई जगह घुसपैठ करने की कोशिश करी, और हमें तो लगा था कि 1962 की तरह ही इस बार भी हम कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि भारतीय सैनिक हमारे सैनिकों को इतनी बुरी तरीके से धोएंगे कि हम आज तक गिनती नहीं कर पाए कि गलवान घाटी में हमारी कितनी कैजुअल्टीज हुई थी। और फिर गलवान घाटी वाली हिंसा से हमें मालूम पड़ गया कि सीधे सीधे सामने से भारतीय सेना का मुकाबला करना हमारी सेना के बस में तो है नहीं, तो क्यों ना कूटनीति का सहारा लिया जाए। और फिर हमने सीमा विवादों को सुलझाने के नाम पर कई सारी मीटिंग्स करी, पर वो मीटिंग तो सिर्फ नाम की थी, क्योंकि इस मीटिंग में केवल भारत ही पूरे दिल से इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे आ रहा था। हम तो बस नाम के लिए आगे आ रहे थे और कह रहे थे कि हम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और बाकी अभी भी मीटिंग चली रही है। और बाकी जब भी हमसे कोई पूछेगा कि अभी तक विवाद सुलझा क्यों नहीं है, तो हम तो कह देंगे कि भाई इसके लिए तो भारत जिम्मेदार है। तो ये थी वो सारी एक्चुअल स्टेटमेंट जो कि चीन के रक्षा मंत्री को देनी चाहिए थी, पर खैर कोई बात नहीं। बाकी उनका ये भी कहना है कि दोनों ही देश शांति कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि BSF के विस्तारित अधिकार क्षेत्र और अलग अलग फ्रंटियर स्टेट्स पर नई लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स की तैयारी को डिफाइन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, इसे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे जाने की उम्मीद है। बाकी आपको बता दें कि पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में बॉर्डर से हिंटरलैंड की तरफ BSF का जो अधिकार क्षेत्र था उसे 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है, और यही सेम लिमिट गुजरात में 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कम कर दी गई है, और जबकि राजस्थान के जो 50 किलोमीटर की लिमिट थी तो उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को रोकने के उद्देश्य के साथ ही BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। और इसके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि इस साल अलग अलग ऑपरेशंस में करीब 100 सुअरों को होरीफाइड किया गया है, और जिसमें से 30 तो पाकिस्तान से थे। और जिस रफ्तार के साथ हमारी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान चलाया हुआ है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बाकी के बचे सुअर भी जल्दी साफ हो जाएंगे, और जो लश्कर, हिजबुल, जैस इस तरह के सुअरों को संगठनों को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो उनकी ये सोच थोड़ी दूर हो जाएगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में
इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सीआरपीएफ के 5 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें एएसआई रमेश कुमार, एएसआई नीरव शर्मा, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल महेश के आर कुशवाहा और कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार शामिल हैं। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन अब्दुल हामिद चारा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान नायक भीम सिंह, हवलदार विजय सिंह, हवलदार महेंद्र सिंह, लास नायक दयाचंद और सिपाही रमेश चंद्र सागर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आज का ही वो दिन है जब 2001 में भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सबसे पहला टेस्ट कंडक्ट किया गया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल कि नेवल हेडक्वार्टर्स को बॉम्बे से कहां पे ट्रांसफर किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें,